गाइज़ हमें फ़र्स्ट ऑर्डर मिल चुका है तो फटाफट से हम जो है इकतालीस या तीन सौ की कॉल में एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं और यहाँ पे हम जो प्राइस रखेंगे वो छः सौ पाँच रखने वाले हैं एक सेकेंड सिक्स ज़ीरो फ़ाइव और ट्रिगर प्राइस कर देते हैं सिक्स जीरो फ़ोर तो इसी दोनों प्राइस में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर है तो ये ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने अभी अगर आप देखोगे तो बहुत नीचे चल रहा है करीब करीब डेढ़ सौ पॉइंट नीचे है लेकिन तरीका इसका अलग होता है चलो फटाफट से इसको शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर और सुबह इस ग्रुप में शेयर कर दिया है और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इसमें फटाफट से आपको जो है फाइव सेवेंटी का स्टॉप लॉस लगा लेना क्योंकि छः सौ पाँच की अपनी बाइंग है ठीक है ना तो वेट करते हैं देखते हैं कितना दाम लगता है इसको एग्जीक्यूट होने में सो सुबह ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है अभी देख सकते हैं फोर इंड फाइव एट का वो प्रॉफिट भी हो गया तो चलो फटाफट से इसमें पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं पाँच सौ पिचत्तर का होगा अपना ट्रिगर एंड पाँच सौ चौहत्तर पर करेंगे इसको एग्जीक्यूट तो आई थिंक इसने तीस पॉइंट भी दे दिए हैं अभी हाई चेक कर लेते हैं छः सौ पचास का हाई लगा दिया तो थर्टी प्लस कर दिया चलो एक बार ग्रुप में अपडेट करते हैं एक बार पहले मैं स्टॉप लॉस तो चेक कर लूँ तो पाँच सौ चौहत्तर पर वो पचहत्तर पे टिकर होगा चौहत्तर पे एग्जिट हो जाएगा ठीक है तो तीस पॉइंट तो ये दे ही चुका है क्योंकि आप देख सकते हो छः सौ पचास का हाई है बाकी एक बार अभी अंदर से भी चेक कर लेते हैं जैसी रिफ्रेश होता है तो सो गाइस प्रॉफिट बढ़ के वन थाउजेंड प्लस हो गया है हमारा और अभी शायद आपने देख नहीं पाया होगा अभी अभी जस्ट इसने 650 का हाई लगा दिया चलो एक बार मैं ग्रुप में पहले अपडेट कर देता हूँ प्रॉफिट तो आप देख ही रहे हो पाँच छः के आसपास चल रहा है चलते हैं एक बार ग्रुप में एग्जीक्यूट भी हो गया एंड प्लस तीस भी हो गया अभी देखेंगे तो फिर से प्रॉफिट अपना न्यूट्रल हो गया कोई दिक्कत नहीं है वेट करते हैं देखते हैं आगे क्या होता है देखते हैं छोटे छोटे लॉसेज अगर होंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है उनसे हाँ आप हाई यहाँ पे हाई चेक करो छः का हाई लगाया इसने और अभी पाँच चल रहा है कोई बात नहीं यानी कि करीब करीब इसने हमें कितने पॉइंट दे दिए आई थिंक 50 पॉइंट से प्लस भी दे दिए इसने 55 पॉइंट दे दिए हमें अगर तो पाँच पॉइंट और देता तो हम इसको ऑन कॉस्ट रख देते और अभी ट्रेड से एग्जीक्यूट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं अभी देखो सौ सौ रुपये का लॉस स्टार्ट हो गया जैसे ऐसा लेट होता है आपसे भी को अपडेट करता हूँ सॉरी गज एक्चुअली इसने हमें 40 पॉइंट दी हैं मैं भूल गया था मेरे को लग रहा था कि हमारा जो बाइंग है वो मतलब फाइव नाइन्टी फाइव की है लेकिन हमारी बाइंग थी वो सौ पाँच के आसपास की और अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है आफ्टर फोर्टी फाइव पॉइंट्स कोई दिक्कत नहीं है अपडेट करते हैं एक बार ग्रुप में सॉगज uh, so ग्रुप में अपडेट कर दिया है मैंने और ऐसे हिट हो चुका है आफ्टर 45 फाइव पॉइंट्स तो कोई दिक्कत नहीं आप ये देखो कि कितनी फटाफट से हमने जब भी ऑर्डर किया था मतलब ट्रेड जब बाई किया था हमने लगाया था उस टाइम पे पांच सौ साठ चल रहा था उसके बाद इसने देखो सडनली दो से तीन मिनट में ही डेढ़ सौ पॉइंट का अपमूव दे दिया और उसके बाद हमें फोर्टी फाइव पॉइंट भी दे दिया फाइनल हमारा जो है तीस पॉइंट का स्टॉप लॉस भी ले लिया अब देखो इसमें मेरे को 45 पॉइंट मिल रहे थे लेकिन 45 पॉइंट मिलने के बाद भी मैंने वहाँ पे अपना ऐसे ही हिट करवाया क्योंकि मुझे पता है कि ये 45 पॉइंट में कितना प्रॉफिट हो रहा होगा ज्यादा ज़्यादा ग्यारह बारह सौ रुपये बस क्योंकि वो यहाँ वहाँ हम शेयर करते तो शेयर करने के चक्कर में प्रॉफिट आपको दिखा नहीं पाया नहीं तो न के आसपास तो आपने भी देख लिया होगा तो हमें ये छोटे छोटे प्रॉफिट से डरना नहीं है बिल्कुल भी आपको खाली अपने सेटअप पर भरोसा रखना है और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है पूरे डिसिप्लिन के साथ पैसा बनेगा हंड्रेड एंड वन परसेंट बने नेक्स्ट ऑर्डर हम प्लेस करने जा रहे हैं इकतालीस हज़ार के पुट के अंदर और इसमें हमारी जो बाइंग होगी स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग फोर्टी नाइन हम ट्रिगर करेंगे यानी कि पाँच पे और पाँच सौ की इसके अंदर हमारी बाइंग होने वाली है और स्टॉप लॉस जो होगा वो इसमें हम पाँच सौ बीस होगा तो फटाफट से इसको लगा देते हैं अभी इसका प्राइस करीब करीब चार सौ के आसपास चल रहा है यानी कि करीबन डेढ़ सौ पॉइंट नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया फटाफट से चलते हैं इसको ग्रुप में शेयर करेंगे सो तो इस ग्रुप में शेयर कर दिया है और ये वाला ट्रेड हमारा पी के अंदर है इसमें अपना जो स्टॉप लॉस होगा पाँच होगा अब देखते हैं इसको कितनी देर लगती है एग्जीक्यूट होने में वेट करते हैं सो भाई नेक्स्ट ऑर्डर हम लगाने वाले हैं इतालीस हज़ार की कॉल में और एक ऑर्डर हमने ऑलरेडी प्लेस करके रखा हुआ है इसमें हमारा जो ट्रिगर प्राइस होगा वो होगा करीबन करीबन पाँच और एग्जीक्यूशन होगा अपना पाँच पे और इससे 30 पॉइंट कम करके हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो अभी प्राइस करीबन 500 के आसपास चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसको प्लेस कर देते हैं और उसके बाद शेयर करेंगे इसको ग्रुप के अंदर अभी आप देखोगे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है तो दोनों में से जो पहले एग्जीक्यूट होगा हम उस पर काम करेंगे अभी चलते हैं इसको बराबर से शेयर करते हैं ग्रुप में वेज ग्रुप में शेयर कर दिया है मैंने और आप देखोगे तो यहाँ पे इकतालीस हज़ार चार सौ की कॉल है और इसमें पाँच सौ चौरासी की हमारी बाइंग है और पाँच सौ तिरासी पर ट्रिगर होगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया पुट साइड वाला इसमें हम जो है तीस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं फटाफट से तो स्टॉप लॉस होगा इसमें करीबन अपना ट्रिगर होगा पाँच सौ बीस और एग्जिट करेंगे पाँच सौ उन्नीस पे अभी देखते हैं इसमें भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद फिर हम प्राइवेट चैनल के ट्रेड और नहीं लेंगे वेट करते हैं देखते हैं इसमें क्या होता है सो सुबह इसमें भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया हमारा और एस भी हिट हो चुका है तो अभी हम जो है प्राइवेट के और भी ट्रेड नहीं करेंगे अब हम सीधा एक पब्लिक टेलीग्राम का एक सेटअप अपना ट्रेड लगाने वाले हैं तो टोटल अभी तक पंद्रह सौ का लॉस हो चुका है हालाँकि इस वाले ट्रेड में हमें कुछ भी पॉइंट नहीं मिले हैं तो वेट करते हैं सुबह से भी पहले ये जो हमने ट्रेड लगा रखा है एक चालीस इकतालीस हज़ार चार सौ की पुट के अंदर इसको हम करेंगे कैंसिल सॉरी कॉल के अंदर और इसकी जगह पे एक लिमिट ऑर्डर हम प्लेस करने वाले हैं तो फटाफट से करते हैं लिमिट ऑर्डर को प्लेस तो लिमिट ऑर्डर जो हम प्लेस करेंगे उसको हम करने वाले हैं इकतालीस हज़ार आठ सौ के पुट के अंदर और बाइंग होगी हमारी करीब करीब पाँच सौ पच्चीस के आसपास की लिमिट ऑर्डर यहाँ पे यूज़ करेंगे हम तो इकतालीस हज़ार आठ सौ के पहले पुट को हम यहाँ पे निकालेंगे और प्राइस अभी काफ़ी आगे चल रहा है लेकिन इसमें हमें लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है और लिमिट ऑर्डर का जो प्राइस होगा वो रखेंगे पाँच और चार का इसमें अपना स्टॉप इस लॉस होगा पाँच की बाइंग होगी ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है इसको लिमिट पे कर देते हैं और अभी इसका स्क्रीन शॉट लेके जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं और इस ग्रुप में शेयर कर दिया है मैंने वेट करते हैं देखते हैं कितनी देर तीन सो एग्जीक्यूट होने में और गाई जी ऑर्डर प्लेस की हमें काफ़ी देर हो गई है तो इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि टाइम डीके की वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा डीके हो गया होगा तो फटाफट से इसको मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके इसमें जो प्राइस हम डालेंगे वो पाँच पॉइंट और कम देंगे और पाँच सौ बीस कर देंगे पाँच सौ बीस के बाद इसमें जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो चार सौ नब्बे होगा फटाफट से एक बार ग्रुप में भी कर देते हैं अपडेट प्रोगेस ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है अभी चलते हैं देखते हैं कितनी देर लगती है इसको हमारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में और गई इसको हम एक बार और मॉडिफाई करने जा रहे हैं और मॉडिफाई करके अभी हम यहाँ पे प्राइस रखने वाले हैं पाँच और फिर देखते हैं अभी कितनी देर लगती है इसको आने में काफ़ी देर से हम इस ऑर्डर के पीछे पड़े हुए हैं अब इतना वेट करवा लिया तो अब देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस होगा अभी बहुत दूर है वैसे तो इंतज़ार करेंगे और ये मॉडिफ़ाई क्यों किया है इसके पीछे का रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे ही इसका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा तो सुबहश बारह बजे मैंने इसको मॉडिफ़ाई किया था और अभी करीबन डेढ़ बज चुका है यानी कि डेढ़ घंटा हो गया और अभी मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस वहीं चल रहा है लेकिन अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दिन का लास्ट ट्रेड होगा हमारा अगर इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेडिंग को फिर यहीं पर क्लोज़ करेंगे अभी देखते हैं कितनी देर लगती है इसको एग्जीक्यूट होने में अभी पाँच सौ के आसपास चल रहा है वेट करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है फटाफट से इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे स्टॉप लॉस होगा अपना वही चार और जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ <coughs> ये दिन का लास्ट ट्रेड है हमारा देखते हैं क्या होता है इसमें अभी करीबन सौ डेढ़ सौ रुपये का प्रॉफिट चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है चलो अपडेट करते हैं एक बार ग्रुप के अंदर कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है और फिर आके देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है मतलब पूरे दिन से वेट कर रहे हैं इस के लिए अभी जाके एग्जीक्यूट हुआ है अब देखते हैं क्या होता है आगे तो अभी पोजीशन न्यूट्रल चल रही है सौ पचास रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वेट करते हैं देखते हैं आगे क्या होता है इस ट्रेड में सो वैसे अभी थ्री हंड्रेड प्लस प्रॉफिट हो चुका है और मैक्सिमम प्रॉफिट इसने अभी हमें फोर हंड्रेड का शो कर दिया और अभी थी थ्री हंड्रेड के आसपास चल रहा है तो वेट करते हैं जैसे ये सेवन फिफ्टी को क्रॉस करेगा तो मैं अपडेट करूँगा आप सभी को सो सुग अभी प्रॉफिट बढ़ के फाइव प्लस हो गया है और प्रॉफिट मैक्सिमम की बात करें तो करीब करीब 570 तक का इसने शो कर दिया था मुझे तो वेट करते हैं अभी देख सकते हो 580 हो गया आपके सामने ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड भी क्रॉस कर चुका है तो जैसे ही ये 30 पॉइंट प्लस करेगा अपडेट करेंगे ग्रुप के अंदर अभी ये देख सकते हैं साढ़े तक का प्रॉफिट हो गया हमें वेट करते हैं सुग तीस पॉइंट इसने दे दिए हैं चलिए फटाफट से करते हैं ग्रुप में अपडेट अभी देख सकते हैं एट हंड्रेड के आसपास का प्रॉफिट हो गया है और नौ सौ भी हो गया बहुत जल्दी वन थाउजेंड भी मुझे लगता है क्रॉस करने वाला है और वन थाउजेंड को भी क्रॉस कर दिया है इसने बारह सौ हो गया तेरह सौ हो गया देख लीजिए किस तरीके का मूव आ रहा है और मुझे लगता है तीस भी दे दी और साठ पॉइंट भी है जस्ट हमें देने वाला है क्योंकि चौदह सौ कुछ का प्रॉफिट इसने हमें शो कर दिया था बाकी अभी चेक करके बताऊंगा अभी देख सकते हैं तेरह सौ के आसपास चौदह सौ अस्सी या नब्बे तक का आई थिंक इसने हाई शो कर दिया है तो वेट करते हैं फटाफट से पहले अपडेट करेंगे इसको और एक बार मैं हाई भी इसका चेक कर लूँ कितने का हाई इसने लगाया है अगर हाई की बात करें तो अभी देख सकते हैं साढ़े बारह सौ तक का प्रॉफिट यहाँ पे हमें हो रहा है बट स्टिल हम वेट कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ साठ पॉइंट दे दे तो इसको हम ऑन कॉस्ट रखेंगे और उसके बाद रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने दो ट्रेड में लॉस अपना कर लिया है और इससे ज़्यादा लॉस मुझे लगता है नहीं कि हमें कि करना चाहिए क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन से हम काम करते हैं अपने ट्रेड में और इसकी हाई की बात करें तो करीबन पाँच यानी कि पचपन छप्पन का इसने हाई लगा दिया है तो पाँच की हमारी बाइंग थी करीब करीब फिफ्टी पॉइंट इसमें हमें मिल गए हैं सिर्फ और सिर्फ चार पॉइंट से हमारे साठ पॉइंट मिलने से रह गए तो वेट करते हैं चलते हैं एक बार अपडेट करते हैं पहले टेलीग्राम पर यहाँ पर हमें तीस पॉइंट मिल गए हैं और बेसिकली पॉइंट तो हमें यहाँ फिफ्टी सिक्स मिल गए हैं लेकिन चार से रह गया हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है वेट करेंगे देखते हैं क्या होता है और अभी प्रॉफिट जो हमारा मैक्सिमम चौदह सौ के आसपास इसने दिखाया था अभी कम होकर गया सात सौ आगे तो वेट करेंगे स्टिल हम अभी देखो इस चौदह सौ का प्रॉफिट दिखाने के बाद अभी हमें आधा प्रॉफिट हमारा हो गया अब अगर यहाँ से मान लो मार्केट रिटर्न भी होती है तो इसने हमें करीब करीब फिफ्टी सिक्स पॉइंट दे दिए यानी कि पचास पॉइंट प्लस देने के बाद भी मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ही हिट करवाऊंगा क्योंकि मुझे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे से पता है और ये जो नीचे वाला आप ट्रेड दे रहे हो ट्रेड देख रहे हो जिसमें पांच का हमारा लॉस दिख रहा है सॉरी सात सौ सात सौ का उसमें भी मेरे को करीब करीब मॉर्निंग में 46 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे लेकिन फिर भी मैंने वहां पे अपना स्टॉप लॉस ही हिट करवाया क्योंकि मेरा ये देखो 100 पॉइंट ही लेने हैं क्योंकि मुझे मंथ के एंड में प्रॉफिट रहना है दिन में मुझे हजार पंद्रह सौ रुपये का काम नहीं करना है मेरे को डिसिप्लिन से काम करना है डिसिप्लिन से पैसा मिलेगा तो ठीक है नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं अगले दिन देख लेंगे मार्केट से लड़ाई थोड़ी ना करनी है फालतू की तो अभी देखो वापस से हमारा प्रॉफिट जो है अभी एक बार वन थाउजेंड क्रॉस हो गया था और अभी फिर से आठ सौ आ गया तो वेट करते हैं देखते हैं आगे क्या होता है इसमें सो सुगज अभी एक बार फिर से ये जो है तीसरी बार करीबन वन थाउजेंड को क्रॉस कर दिया है तो मे भी हो सकता है इस बार ही अपना नया हाई लगा दे अभी ग्यारह सौ तक का प्रॉफिट चल रहा है वेट करते हैं जैसे ये पचास साठ पॉइंट प्लस करेगा यानी कि पंद्रह सौ को क्रॉस करेगा तो अपडेट करेंगे लास्ट टाइम इसने सिर्फ चार पॉइंट से छोड़ दिया था तो वेट करते हैं अभी देखते हैं क्या होता है आगे सो सुकेश अभी जो भी तेरह सौ चौदह सौ तक का प्रॉफिट हो रहा था वो सारा प्रॉफिट हमारा खत्म हो गया और अभी करीबन तीन चार सौ के लॉस में आ गए तो देखते हैं यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होता है या क्या होता है तो वेट करेंगे हम सो सुश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है हमारे स्टॉप लॉस हिट होने की क्योंकि देखो पहली बात तो ये फोर्थ टाइम टेस्ट कर रहा था ऊपर को इकतालीस को तो फोर्थ टाइम में तो वैसे भी इसको जो है वो मतलब ब्रेकआउट देना ही था लेकिन फिर भी इसने हमारी पोजीशन में काम किया और हमें करीबन पचास साठ पॉइंट का रिजेक्शन दिया वहाँ से और जब उसने पचास साठ पॉइंट का रिजेक्शन दिया तो हमें करीब करीब यहाँ पे फिफ्टी सिक्स पॉइंट मिल गए लेकिन अगर चार पॉइंट और मिल जाते तो हम इसको ऑन कॉस्ट रख लेते लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं हम प्रॉपर अपनी कंडीशन को फॉलो करते हैं और प्रॉफिट अपना जो है हंड्रेड पॉइंट का होगा अदरवाइज हम यहाँ पर कितने भी पॉइंट्स नहीं लेंगे या फिर हमारी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए अब अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऐसा नहीं है कि हमें काम करना नहीं आता मार्केट के अंदर या फिर से हम गैमलिंग करते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो लोग ये सोचते हैं वो उनका कुछ नहीं कर सकता मैं प्रॉपरली क्या है मेरा मानना ये कि देखो पूरे दिन से मैंने अभी अपना एक ये तीसरा ट्रेड इनिशिएट किया पब्लिक वाला इससे पहले मैं प्राइवेट के दो ट्रेड ले चुका हूं तो पब्लिक टेलीग्राम पर जो मैं ट्रेड शेयर करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे को सेटअप अभी बना था मेरा मतलब सेटअप तो से ग्यारह बजे बना था लेकिन ट्रेड जो एक्सिक्यूट हुआ डेढ़ बजे के आसपास हुआ तो मुझे खाली अपने रूल्स को फॉलो करना है उसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस जाता है तो जाने देना कोई दिक्कत नहीं है वेट करेंगे अभी चार तक का लॉस हो रहा है जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद ट्रेडिंग को बंद करेंगे सो सोगैज अभी एक बार फिर से हमारी पोजीशन थोड़ी सी प्रॉफिट में आ गई है और मैक्सिमम लॉस की बात करें तो आई थिंक इसने जो है साढ़े छः सौ तक का लॉस हमें शो कर दिया था यानी कि वही दो चार पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बच गया और अभी वापस से हम जो है दो तीन सौ तक के प्रॉफिट में आ गए तो देख सकते हैं प्रॉफिट पाँच सौ हो गया अभी वेट करते हैं देखते हैं आगे क्या होता है सो सुगज इतना लॉस दिखाने के बाद अभी फिर से इसने फाइव हंड्रेड को क्रॉस कर दिया है और आप देखते हैं देख सकते हैं आप एट हंड्रेड क्रॉस हो गया नाइन हंड्रेड हो गया अभी देखते हैं आगे क्या होता है जैसी वन थाउजेंड को क्रॉस करता है तो आपको फिर से अपडेट करूंगा और इस बार ये जो है करीबन चौथी बार वन थाउजेंड को क्रॉस करने जा रहा है ये चौथी या पांचवी बार तो वेट करते हैं सेवन हंड्रेड के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी सो गाइस अभी जस्ट दो मिनट पहले इसने करीबन नौ सौ रुपये तक का प्रॉफिट मुझे दिखा दिया था जैसे ही मैंने आपको अपडेट किया था और फिर से हमारी पोजीशन न्यूट्रल आ गई देखो इस कंडीशन में क्या होता है मार्केट आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करती है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है ट्रेड के अंदर बैठने का तो ये पेशेंस अगर आपने एक बार डेवलप कर लिया ना उसके बाद मार्केट तो पैसा यार आपको देगी ही देगी बस आपको क्या करना है रिस्क मैनेजमेंट अपना अच्छा करके रखना है अभी बैठे रहेंगे हम स्टिल क्या ही होगा यार सात सौ रुपये जाएंगे सात सौ रुपए में जिंदगी धोड़ना खत्म होती है आप खुद सोचें इस बात से मिलेंगे तो उसका तीन गुना मिलेगा तो स्टिल बैठो लॉस होगा क्या हो गया एक ही दिन का तो लॉस होगा आप ये देखो ना लॉस हो, हो कितना रहा है अगर मान लो इसमें भी सात सौ का लॉस हुआ तो हमारे जाएंगे कितने अप्रोक्स वही बाईस तेईस सौ रुपये लेकिन अगर हमें मान लो कल टारगेट मिल गया या आज ही टारगेट मिल गया तो उल्ट्रा हम प्रॉफिट तो लेके जाएंगे ना तो टेंशन नहीं लेनी है किसी बात का हमेशा से अपने पॉइंट्स को क्लियर रखो अपने दिमाग के अंदर कि इतने का लॉस इतने का प्रॉफिट बस दैट्स इट और कुछ नहीं करना इसके अलावा सो सुखैज अभी इसने फिर से जो है फाइव हंड्रेड को क्रॉस कर दिया है और अभी सेवन हंड्रेड हो गया है तो देखते हैं क्या होता है आगे वेट करते हैं सो सुखैज अभी पाँचवीं बार इसने वन थाउजेंड के प्रॉफिट को क्रॉस कर दिया है और मे बी इस बार काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये अपना नया हाई लगा दे देख सकते हैं बारह सौ का प्रॉफिट हो गया है तो वेट करते हैं तेरह सौ हो चुका है जैसे ही पंद्रह सौ को क्रॉस करेगा तो हम इसको ऑन कॉस्ट रखेंगे और फिर ग्रुप में अपडेट करेंगे तो फाइनली चौदह सौ पंचानवे तक का प्रॉफिट इसने दिखा दिया है बट पंद्रह सौ को क्रॉस नहीं कर रहा है यार पता नहीं कब करेगा चलो वेट करते हैं अभी देख सकते हो प्रो क्रॉस कर दिया तो चलो पहले इसके ऑन कॉस्ट लगाते हैं फटाफट से पंद्रह सौ का इसने प्रॉफिट हमें दिखा दिया तो हमारी बाइंग इसमें पाँच सौ थी तो पाँच सौ ही रखने वाले हैं और यहाँ पे रखेंगे फोर डबल नाइन तो देखो इसको सारा पेशेंस का गेम है यार सारा साइकोलॉजी का गेम है इस तरीके की साइकोलॉजी रखो मार्केट पैसा अपने आप देगी अभी कितनी देर मैंने आपके सामने वेट किया है और सिक्सटी पॉइंट भी प्लस हो चुका है अपडेट भी मैंने कर दिया है और दैट्स अ पावर ऑफ साइकोलॉजी आप इस तरीके की बिल्ड करो मैं फ्लो फ्लो में थोड़ा गलत भी बोल जाता हूँ तो इसको दिल पे मत लेना बस मैं यही कहता हूँ यार मार्केट में बैठोगे पैसा बनेगा अभी भी अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होता है तो अब अपने हाथ से क्या जाएगा कुछ भी नहीं जो ये पंद्रह सोलह सौ रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है यही तो चाहेगा ना और इससे ज़्यादा टेंशन लेने वाली क्या बात है वेट करते हैं आराम से बासठ तिरसठ पॉइंट मिल गए और चालीस पॉइंट अगर मार्केट को देने की इच्छा होगी तो देगी अदरवाइज अपना ऑन कॉस्ट लेकर निकल जाएंगे क्या दिक्कत है सो so गज़ यहाँ पे हमें अपना टारगेट लगा देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टारगेट हमारा किसी भी वक्त आ सकता है तो टारगेट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं 600 का लिमिट प्राइस लगा देंगे यहाँ पे और हो सकता है किसी भी वक्त टारगेट हमारा हिट हो जाए अभी अगर इसकी हाई की बात करूं तो इसने हाई लगा दिया है करीब करीब पाँच का और पाँच के आसपास चल रहा है अभी देख सकते हैं आप तो बस 14 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हो गया वेट करते हैं जैसे ही टारगेट आएगा अपडेट करता हूं आप सभी को अभी अप्रोक्स 2000 प्लस प्रॉफिट इसने शो कर दिया था अभी देख सकते हैं उन्नीस हो गया तो जैसी पाँच सौ को क्रॉस करता है तो उसके बाद हमें नाइन पॉइंट हो जाएंगे और ट्वेंटी पॉइंट के बाद हमारा जो है वो टारगेट हिट हो जाएगा छः का टारगेट मैंने लगा दिया क्योंकि पाँच की बाइंग थी इसकी अपने अंदर और अगर यहाँ से पॉजिशन रिवर्स होती है तो हम दोबारा से इसको एसल ऑन कॉस्ट रख देंगे वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है अपडेट करता हूँ आप सभी को सो uh, सोगह so इसके हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करूँ तो इसने जो पॉइंट दिया हमें करीब करीब 88 एट पॉइंट इसने हमें दे दिया यानी कि 90 पॉइंट से सिर्फ दो पॉइंट हमारे रह गए और अभी वहाँ से करीब करीब चालीस पॉइंट की करेक्शन आ चुकी है अभी प्राइस पाँच के आसपास चल रहा है वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है यानी कि लास्ट टाइम इसने हमारा जो टारगेट मिस किया सिर्फ और सिर्फ बारह पॉइंट से मिस किया है और अभी स्टिल वेट करेंगे हम गईज़ मुझे लगता है कि मुझे फिर से इसको जो है ऑन कॉस्ट रखना पड़ेगा क्योंकि वापस से अभी 900 तक का प्रॉफिट आ गया था तो वेट करते हैं जैसे ही ये सात आठ से नीचे जाएगा तो इसको ऑन कॉस्ट रखेंगे हम सो गाइस अभी फिर से 1800 के आसपास का प्रॉफिट हो गया है हमारा और इससे पहले इसने जो हमें करीब करीब 88 पॉइंट दिए थे तो वहाँ से फिर ये रिवर्स भी हुआ था और 534 का इसने लो भी लगाया था लेकिन स्टिल मैंने वहाँ पे वेट किया और अभी आप देख सकते हैं 1800-1900 का प्रॉफिट चल रहा है और किसी भी वक्त हमारा टारगेट भी हिट हो सकता है टारगेट मैंने ऑलरेडी लगा रखा है तो वेट करते हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको टारगेट को आने में या फिर से यहाँ से रिवर्सल होता है लास्ट टाइम ये जो है पाँच सौ अठासी से रिवर्स हो गया था और अभी पाँच सौ अस्सी के आसपास चल रहा है तो देखते हैं क्या होता है आगे सो गाइस आई डोंट नो इस ट्रेड में क्या होने वाला है अभी करीबन हम अपने टारगेट से पंद्रह बीस पॉइंट दूर हैं और ये करीबन पाँच सौ अस्सी के आसपास चल रहा है पाँच मिनट हो गए मुझे देखते देखते और ना तो दो हज़ार से ऊपर जा रहा है ना दो हज़ार से नीचे जा रहा है वही अठारह अठारह सौ उन्नीस सौ दो हज़ार चल रहा है लेकिन ये ट्रेड भी जिद्दी है तो ट्रेड से ज़्यादा हम भी ज़िद्दी हैं हम यहाँ पर अपना ऑन कॉस्ट हटवाना हेट करवाना पसंद करेंगे लेकिन अपने टारगेट के पहले नहीं एग्जिट करेंगे तो वेट करते हैं अभी वापस से सत्रह सौ हो गया मैक्सिमम इसने अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया था वो इक्कीस सौ बाईस सौ तक पहुँच गया था तो वेट करते हैं सो इस फाइनली वेट करने के बाद 580 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया है और टारगेट भी हमें मिल चुका है तो टोटल देख सकते हैं आप वन थाउजेंड का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है और अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में पहले अपडेट करूँ थोड़ा ग्रुप के अंदर गई ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं आपको टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया फाइनली आपको पता है कि कैसे कैसे हमने ट्रेड लिए तो अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है फटाफट से आपको एक बार टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ तो ये अपना पब्लिक टेलीग्राम है एक अपना पब्लिक भी है एक प्राइवेट भी है ठीक है ना लेकिन प्राइवेट की जॉइनिंग अलग प्रोसेस है अगर उसके बारे में जानना है तो पहले आपको पब्लिक टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने मॉर्निंग से एक ही ट्रेड दिया था करीब करीब बारह बजे के आसपास जो करंटली हमने प्रॉफिट बुक किया है तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक पर क्लिक करके ही आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है क्योंकि अगर आप सर्च करके ज्वाइन करते हो तो वहाँ बहुत सारे फेक चैनल्स आप ज्वाइन कर लोगे